नमस्कार, अनुपूर्णा खाना विद गाना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही अच्छी सी बारिश हो रही है और मुझे ऐसे बारिश में बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद है मुझे इस तरह की बारिश। और कुछ इसमें अच्छा सा खाने के लिए मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना आज कुछ हेल्दी रेसिपी बनाई जाए। और ऐसी रेसिपी यदि आपके घर में, जो मैं बनाने वाली हूँ, नाम नहीं लूँगी, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और यकीन मानिए, इसके बाद इस सब्जी को इतना खाना लोग शुरू कर देंगे कि सबकी ये फेवरेट हो जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरी वीडियो YouTube पर देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि मुझे Facebook पे मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, फटाफट हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ये तोरी की सब्जी लेके आई हूँ, वो भी साधारण तोरी की सब्जी नहीं, भरवा तोरी की सब्जी। और ये जो तोरी की सब्जी है, ये बनाना इतना आसान है, घर की सामग्री से हम ये तोरी की सब्जी बनाएंगे। और जिनको तोरी खाना पसंद नहीं है, वो भी थाली भर भर के तोरी की सब्जी खाएंगे। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा चम्मच रिफाइंड तेल लिया है और तेल को मैं बहुत ही अच्छे से पहले गरम कर लूँगी। और तेल हमारा गरम हो गया, 10 से 12 कली मैंने यहाँ पे लहसुन की ली है और 4 ली है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे, ये हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ मैं। और हरी मिर्च आप तीखा जिस हिसाब से खाते हो उसी हिसाब से आप यहाँ पे ऐड करें। और यहाँ पे लिए है फ्रेंड्स मैंने 20 ग्राम ये मूँगफली, कच्ची मूँगफली है। इससे जो हमारी ये सब्जी, हम तोरी की सब्जी बना रहे हैं, इससे मूँगफली से हमारे तोरी का जो सब्जी का स्वाद है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो गैस की फ्लेम लो रखें, लो फ्लेम पे आपको इसको अच्छे से यहाँ पे रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मूँगफली है वो काफ़ी अच्छे से ये रोस्ट हो गई है, ज़्यादा इसको हमें रोस्ट नहीं करना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 4-5 यहाँ पे प्याज दी है मीडियम साइज़ की, तो उसको मैंने रफली यहाँ पे चॉप करके ऐड कर दी है। प्याज को भी हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही इसको हमें प्याज को सॉफ्ट करना है। इसमें जो सॉफ्टनेस आएगी उससे जो प्याज का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और जो स्वाद है वो भी एक भुना हुआ इस प्याज में अच्छे से यहाँ पे आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का आपको प्याज को भुनना है। प्याज हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे बंद कर दी है और इन सामग्री को मैं एक बर्तन में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया है और इसको हम सबसे पहले ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी प्याज ये मूँगफली अच्छे से ठंडी हो गई है। और ये देखिए, आप चाहो तो ये मूँगफली का छिलका भी यहाँ से उतार सकते हो, पर मैं इसको छिलक सहित ही यहाँ पे इसका यूज़ कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ले लिया है मैंने एक मिक्सी का जार और यहाँ पे प्याज और जो ये मूँगफली है इनको हम इस मिक्सी के जार में डाल के इसको हम दरदरा यहाँ पे पीस लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको इसको दरदरा ही पीसना है इस तरह का। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का आपको इसका एक पेस्ट बना के तैयार करना है। और फ्रेंड्स, सच में ही बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है अभी से ही। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसको एक बर्तन में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और ये जो पेस्ट है फ्रेंड्स, इसी तरह का आपको बनाना है। और इसके साथ हम कुछ जो घर की सामग्री है वही हम ऐड करेंगे, जो सबके घर में, सबके किचन में जो सामान मिल जाता है उसी से मैं ये आज रेसिपी बनाने वाली हूँ। और ये फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बिल्कुल छोटे साइज़ वाला, जो मीडियम साइज़ वाला ग्रेटर होता है ना, वो लिया है मैंने। और आधे इंच के करीब मैं यहाँ पे जो ये अदरक है इसको कद्दूकस कर लूँगी। कद्दूकस किया हुआ अदरक का जो टेस्ट है बहुत ही अमेजिंग आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक चम्मच के करीब ये यहाँ पे अदरक को ऐड कर दिया है। और स्वाद के अनुसार हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे, जिस हिसाब से आप नमक खाते हैं नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर ये मिक्स मसाले हैं मैंने पीस के ऐड किए हैं, आधा चम्मच। और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड क्या है, और खूब सारा मैं यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। हरे धनिया का भी एक अपना ही टेस्ट है और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। तो इन मसालों को हम इस पेस्ट में अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मसालों को मिक्स कर दिया है और इस तरह का पेस्ट एक बना के तैयार कर दिया है। तो इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पे साइड कर देते हैं। और ये ले ली है फ्रेंड्स मैंने तोरी, तो फ्रेंड्स ये मैंने आधा केजी तोरी ली है। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह की तोरी लेनी है जिसमें बीज ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट वाली तोरी आपको लेनी है, जिसमें बीज होते हैं वो बिल्कुल ना लें। तो तोरी के फ्रेंड्स ये जो बाहर का छिलक है हम इस तरह हम यहाँ पर हटा देंगे। तो इसी तरह हमें सारी तोरी को अच्छे से छील लेना है।
और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये 1.5 इंच के करीब मैं यहाँ पे इसके पीसेस बना रही हूँ। इसी तरह आपको भी सारे तोरी के यहाँ पे पीसेस बनाने हैं। तोरी को फ्रेंड्स मैंने पहले अच्छे से धो लिया था, आपने यदि धोया नहीं है तो बाद में आप इसको धो सकते हो। और यहाँ पे फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम, बीच में इसमें हम एक चीरा लगा देंगे। ध्यान रहे आपको इसको साइड से जॉइंट रखना है फ्रेंड्स। ये देखिए इसको पूरा आपको कट नहीं करना है, इसको साइड से आपको इस तरह का जॉइंट रखना है। तो अब हम फ्रेंड्स मैंने वो पेस्ट मैंने ले लिया है जो हमने पेस्ट बनाया था, और अब हम क्या करेंगे इस मसाले को हम इस तोरी के बीचों बीच हम यहाँ पे भर देंगे। ध्यान रहे जितना भी इसमें एक बार मसाला आता है अच्छे से यहाँ पे हम इसको भर देंगे। और फ्रेंड्स इस तरह आप तोरी की सब्ज़ी बनाओगे ना तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरह हमें सारे तोरी में ये मसाला भर के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे तोरी में ये अच्छे से मसाला भर दिया है, और अब लास्ट जो हम एक तड़का लगाएंगे इसके लिए, तो इसी वही वाला पैन मैंने लिया है और यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। तड़कता फड़कता ये तेल बिल्कुल गर्म हो गया है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे सरसों का ऐड कर दिया है, और 1 चम्मच ले रही हूँ मैं राई। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये राई और जो सरसों है अच्छे से ये चटक गई है, और 10 से 15 मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता लिया है। इससे सब्जी का टेस्ट है ना वो बिल्कुल अमेजिंग हो जाएगा। तो इसको भी हम अच्छे से यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से हमारे जो कड़ी पत्ता है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, और 1/4 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये फ्रेंड्स वही मसाला बचा हुआ है जो हमने अभी भून के वो मसाला बनाया था। तो फ्रेंड्स उसी मसाले को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी, इस बचे हुए मसाले को हम वेस्ट नहीं करेंगे, और इसे ज़्यादा भुनने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि प्याज और जो हमने यहाँ इसमें मूंगफली को ऐड किया था वो अच्छे से पहले भी हमने रोस्ट कर ली थी। तो इसको हमें इतना ही भुनना है। ये देखिए फ्रेंड्स मसालों ने तेल रिलीज़ कर दिया है, तो इससे ज़्यादा हमें मसालों को भुनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और सच में ही बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है। आप चाहो तो इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर सकते हो, पर मैं इससे ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करूँगी। साधारण तरीके से मैं ये तोरी बना रही हूँ, और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पे फ्रेंड्स इन मसालों के साथ हम ये जो तोरी भरी हुई तोरी है इसको हम ऐड कर देंगे, और इसमें आपको बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो तोरी है ना ये अपने आप में एक इतना पानी रिलीज़ कर देती है कि आपको इसमें पानी डालने की एक बूंद की भी ज़रूरत नहीं है। तो मसालों के साथ हम 1 मिनट के लिए तोरी को अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स तोरी को मैंने 1 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पे तोरी की भुनाई कर दी है, और यहाँ पे जो तोरी है बहुत ही जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पे हम ढक्कन से कवर करके 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट हो गए हैं, और तोरी देखिए हमारी फ्रेंड्स कितने अच्छे से यहाँ पे पक गई है। और ये देखिए तोरी ने काफ़ी अच्छे से ये जो पानी है अच्छे से रिलीज़ कर दिया है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि तोरी में बिल्कुल भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार हम तोरी को चला देंगे, तोरी हमारी 90% बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर कुक हो गई है। क्योंकि अब फ्रेंड्स मैं मात्र इसको 1 मिनट के लिए फिर से ढक्कन से कवर करके तोरी को पकाऊंगी, इससे ज़्यादा हमें तोरी को पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक्कन से कवर कर दिया है 1 मिनट के लिए, और यहाँ पे फ्रेंड्स 1 मिनट हो गया है, और तोरी को देखते हैं हमारी जो तोरी है वो बिल्कुल अच्छे से पक गई है। और यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा हम ऊपर से कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, आप चाहो तो हरा धनिया भी ऐड कर सकते हो, पर कस्तूरी मेथी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये फ्रेंड्स हमारी तोरी की सब्जी हेल्दी रेसिपी आपके लिए मैं आज लेके आई हूँ। और फ्रेंड्स इस तरह तोरी आप किसी को भी बना के दोगे तो ये फ्रेंड्स यकीन मानिए उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, थाली भर भर के तोरी आपसे खाने के लिए मांगेंगे, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन तोरी की सब्जी की ही डिमांड करेंगे। जिनको बिल्कुल भी तोरी खाना पसंद नहीं है यकीन मानिए उनको एक बार इस तरह की तोरी आप खिला के देखोगे तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तोरी को हम सर्व करते हैं, आप इसको रोटी या चावल किसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हो, पराठा, तो ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और तोरी वैसे भी बहुत ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि तोरी हमारे आँखों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बवासीर की प्रॉब्लम है किसी को तो वो भी खा सकते हैं, पेट में आपके कब्ज है उनके लिए भी तोरी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स तोरी के अनेकों फ़ायदे हैं और तोरी का सेवन खूब सारा करना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहीं पर फ्रेंड्स मैं वीडियो का एंड करती हूँ, थैंक यू फ्रेंड्स।